हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम उमाशंकर निर्मलकर, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट साइकोसिस। साइकोसिस और सिजोफ्रेनिया और सिजोफ्रेनिक कंडीशन। तो साइकोसिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर, इट इज अ मेंटल डिसऑर्डर। दिमाग की बीमारी बोलते हैं इसे। मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ थॉटफुलनेस। मतलब आपका किससे कैरेक्टराइज हुआ है, आपका जो थॉट है मतलब सोचने की शक्ति है, वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस ऑफ थॉट्स मतलब एक ऐसा कंडीशन जिसमें आपकी सोचने समझने की शक्ति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब एक टाइप का कंडीशन आता है जब आप कुछ सोच समझ अच्छे से सोच नहीं पाते, अच्छे से समझ नहीं पाते, तो उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं यहाँ पे लॉस ऑफ थॉट। मतलब कि आपका एक आपका जो विड्रॉल कंडीशन में जाएगा, सोशल विड्रॉल कंडीशन, मतलब आपको अजीब टाइप की फीलिंग्स आने लगेंगी, तो आप सोच भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉस ऑफ कैरेक्टराइज बाय दी लॉस ऑफ थॉट। मतलब आप मेंटल डिसऑर्डर का मतलब समझ रहे हैं कि लॉस ऑफ थॉट मतलब थॉटनेस, आपका जो थॉटनेस है उसका आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर, दिस कैरेक्टराइज बाय लॉस ऑफ थॉट्स एंड ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज थिंकिंग। मेंटल डिसऑर्डर तो है ही आपका, साथ में आपका जो थिंकिंग बिहेवियर है या आपका जो किसी पर्सन के लिए बिहेवियर है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि ये मेरे साथ कुछ अजीब का बिहेव कर रहा है, तो आप उसके साथ भी अजीब से बिहेव करना चालू करते हो। दिस इज अ कंडीशन ऑफ साइकोसिस और सिजोफ्रेनिया। तो इसको हमने डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। एक होता है आपका पॉजिटिव सिम्टम्स, एक दूसरा होता है आपका निगेटिव सिम्टम्स। तो पॉजिटिव सिम्टम्स और निगेटिव सिम्टम्स आपको समझ में आएगा कि आपको देखिए पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या हो जाएगा, आप एक्साइटेटरी एक्शन शो करें, मतलब एक्साइटेटरी बिहेवियर shows excitatory behavior. So excitatory behavior conditions, आप excitatory behavior मतलब आपके और क्या कंडीशन हो सकते हैं जब आपका पॉजिटिव सिम्टम होता है, पॉजिटिव सिम्टम होता है तो और क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका हेलुसिनेशन भी आप समझ सकते हैं कि आपको अजीब सा आभास होगा, दिस इज अ हेलुसिनेशन, मतलब अजीब अजीब आपको आभास होगा। उसके बाद होता है आपका डिलीरियम को हम नॉर्मल बोलते हैं, जैसे आपका एक माया जाल टाइप होता है ना, वैसी टाइप का आपको फीलिंग्स आएगा। तो ये आपको क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको कौन सा कंडीशन हो गया है, सिजोफ्रेनिया या साइकोसिस का पॉजिटिव सिम्टम, मतलब ये आपका एक पॉजिटिव सिम्टम होता है। क्यों होता है इसको भी हम देखेंगे। तो आपका हेलुसिनेशन हो गया, डिलीरियम हो गया, तो ये आपके कंडीशन होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स के। अब पॉजिटिव सिम्टम मतलब अगर आपका एक साइकोसिस में दो कंडीशन आ रहे हैं, तो दो अलग अलग कंडीशन कौन कौन से, पॉजिटिव सिम्टम्स आ रहे हैं, निगेटिव सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब कि दोनों के लिए आपका न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, अलग अलग होगा, दोनों के लिए केमिकल अलग अलग होगा। तो हम पॉजिटिव सिम्टम्स बात करेंगे, तो इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है, इसमें जो केमिकल इन्वॉल्व होता है, दिस इज अ डोपामाइन। तो डोपामिन का जो लेवल होता है आपके ब्रेन में, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ डोपामिन और ब्रेन में इंक्रीज हो जाता है, किसका लेवल, डोपामिन का लेवल, जो कॉज करता है आपको पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस। पॉजिटिव सिम्टम ऑफ साइकोसिस कॉज बाय इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन, डोपामिन का लेवल आपके ब्रेन में इंक्रीज हो जाता है, डोपामिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, तो उसका लेवल जब इंक्रीज हो जाता है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब आपको शो करते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया या साइकोसिस। तो हम जो साइकोसिस का कंडीशन होता है, साइकोसिस मतलब एक टाइप का पागलपन बोलते हैं, तो उसको हम सिजोफ्रेनिया के नाम से जानते हैं, तो वो इसका आपका पॉजिटिव सिम्टम्स किसके कारण हो गया,
डोपामिन का इंक्रीज लेवल आपको कॉज करता है पॉजिटिव सिम्टम साइकोसिस। देन हम बात करते हैं निगेटिव सिम्टम। अगर हम निगेटिव सिम्टम्स की बात करेंगे तो निगेटिव सिम्टम्स में आपके बहुत सारे कंडीशन आते हैं। निगेटिव सिम्टम्स मतलब एक टाइप का जो सैडनेस होता है ना, उसको हम निगेटिव सिम्टम बोल सकते हैं। तो निगेटिव सिम्टम्स की बात करेंगे तो निगेटिव सिम्टम्स में आपके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका सोशल विड्रॉल, सोशल विड्रॉल मतलब ऐसे आप अपने आप को क्या करेंगे समाज से बाहर, मतलब अकेलापन महसूस होना, मतलब ये सोशल विड्रॉल। उसके बाद एपैथी, एपैथी मींस होता है लॉस ऑफ पैशन, लॉस ऑफ पैशन मतलब आपका एपैथी कंडीशन हो गया। पैशन मतलब कुछ करने की इच्छा क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब आपको कुछ करने का जैसे पैशन होता है वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, उसको हम एपैथी बोल रहे हैं। एलोजिया, एलोजिया भी आपका कंडीशन है। तो आपका सोशल विड्रॉल हो जाता है, एपैथी हो जाता है, लॉस ऑफ पैशन हो जाता है, एलोजिया, जहां आपका एलोजिया का मतलब होता है पुअर स्पीच, आप अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, तो वो भी आपका कंडीशन होता है, पुअर स्पीच आपको होगा, तो वो हो गया आपका एलोजिया। तो आपका सोशल विड्रॉवल, एपैथी, लॉस ऑफ पैशन या लैक ऑफ पैशन भी बोल सकते हैं आप, लैक मतलब कमी, आप एलोजिया मतलब स्पीच आपका पुअर हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव का, पॉजिटिव का मतलब समझिएगा कि उसमें आपको एक्साइटेशन हो रहा है, और निगेटिव में क्या है, निगेटिव का मतलब क्या होता है, आप मतलब आपको उस कंडीशन में चले जाएंगे जहाँ आपको सिर्फ उदासी उदासी नजर आएगा, मतलब सैडनेस फील होगा, तो वो आपका निगेटिव सिम्टम्स है। अब हम देखते हैं कि निगेटिव सिम्टम्स क्यों आता है। तो निगेटिव सिम्टम्स का रीजन है आपका जो इस निगेटिव सिम्टम्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल केमिकल है, दिस इज अ सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, दिस इज अ 5-HT न्यूरोट्रांसमीटर, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन। तो सेरोटोनिन को हम 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन के नाम से भी जानते हैं। तो सेरोटोनिन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज लेवल ऑफ सेरोटोनिन इन ब्रेन। तो सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से आपका जो ब्रेन है वो पॉजिटिव निगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस शो करता है। तो ये आपका दो कंडीशन हो गया, एक पॉजिटिव सिम्टम, एक निगेटिव सिम्टम। तो आपको एक चीज समझ में आया होगा कि अगर हम साइकोसिस का ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब सिंपल अगर आप ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो डोपामिन का लेवल क्या हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अगर हम डोपामिन के लेवल को क्या कर दें, मेंटेन कर दें, अगर हम डोपामिन के लेवल को मेंटेन कर दें, मतलब कि आपका पॉजिटिव सिम्टम्स हो गया है, लेवल ऑफ डोपामिन इंक्रीज होने के कारण अगर हम उसको ला के नॉर्मल में रख दें तो आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर हम निगेटिव सिम्टम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका सेरोटोनिन का लेवल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अगर इसके लेवल को हम क्या कर दें, मेंटेन कर दें, मतलब कम कर दें, ज्यादा हुआ उसको कम करके नॉर्मल तक ला दें, तो भी आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये भी आपका ट्रीटमेंट हो गया, तो ये आपका साइकोसिस का ट्रीटमेंट हो सकता है कि पॉजिटिव सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अलग ड्रग लेंगे, निगेटिव सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अलग ड्रग लेंगे। तो ये होता है आपका साइकोसिस कंडीशन का अलग अलग पार्ट। तो सिज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस के लिए यहाँ पे दो पाथवे होता है, एक होता है आपका सेरोटोनिन पाथवे, क्योंकि आपका सेरोटोनिन का सेरोटोनिन भी रिस्पॉन्सिबल होता है साइकोसिस के लिए। और हम एक देख लेते हैं कि जो आपका डोपामिन, जब डोपामिन का लेवल इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन को, मतलब पॉजिटिव सिम्टम्स को ट्रीट करना ईजी होता है, लेकिन निगेटिव सिम्टम्स को ट्रीट करना थोड़ा टफ होता है। तो यहाँ पे दो पाथवे है, पाथवे ऑफ साइकोसिस। फर्स्ट है आपका सेरोटोनिन पाथवे, सेरोटोनिन पाथवे जो होता है आपका एआरएन पाथवे बोला जाता है आपका,
दिस इज अ एनआरएम पाथवे। सेरोटोनिन पाथवे को हम एनआरएम पाथवे भी बोलते हैं, एनआरएम, क्योंकि ये आपका इनिशिएट होता है न्यूक्लियस रैपिड मैग्नस से, न्यूक्लियस रैपिड मैग्नस से। तो और ये ऑलमोस्ट मतलब ये आपको सर्कुलेट रहता है ऑल पार्ट ऑफ ब्रेन, ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ ब्रेन। तो आपके ब्रेन के सभी पार्ट में ये सर्कुलेट होता है। दूसरा होता है आपका, ये आपका सेरोटोनिन पाथवे होगा। दूसरा होता है आपका डोपामिनर्जिक पाथवे, दूसरा होता है आपका डोपामिनर्जिक पाथवे, दिस इज अ डोपा मिनर्जिक पाथवे। डोपामिनर्जिक पाथवे की बात करेंगे तो उसमें आपका सबसे पहला आता है मेसोलिम्बिक पाथवे। मेसोलिम्बिक पाथवे की बात करेंगे तो जो आपका मेसोलिम्बिक पाथवे, मतलब पाथवे का मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि इसी पाथवे में आपको कहीं कहीं पे डोपामिन का लेवल इंक्रीज होता है, सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज होता है, मतलब यहां पे डोपामिन और सेरोटोनिन मतलब न्यूरोट्रांसमीटर का रोल हो रहा है। तो उसमें आपका हम पार्ट्स देखते हैं कहां-कहां पे ओरिजिनेट होता है, कहां से ये आपका टर्मिनेट, मतलब कहां से ओरिजिनेट होता है, कहां पे टर्मिनेट होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। अगर हम ट्रीटमेंट यूज करेंगे तो हम उसको ट्रीटमेंट के लिए पाथवे चूज कर सकते हैं। तो आपका मेसोलिम्बिक जो पाथवे होता है वो स्टार्ट होता है वीटीए से, ओरिजिनेटेड या ओरिजिनेट इन वीटीए, दिस इज द वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से स्टार्ट होता है और ये आपका टर्मिनेट होता है न्यूक्लियस एकम्बस पे, न्यूक्लियस एकम्बस में, न्यूक्लियस एकम्बस। तो आपका न्यूक्लियस एकम्बस में क्या होता है, ये टर्मिनेट होता है। और दिस पाथवे इन्वॉल्व इन सिज़ोफ्रेनिया, दिस पाथवे इन्वॉल्व इन सिज़ोफ्रेनिया। ये आपका जो मेसोलिम्बिक पाथवे होता है आपका इन्वॉल्व होता है सिज़ोफ्रेनिया में, अगर मतलब इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आपका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जहां पे आपका ड्रग एक्ट करेगा और सिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करेगा, साइकोसिस को ट्रीट करेगा, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग। दूसरा जो पाथवे होता है दिस इज अ मेसो कॉर्टिकल पाथवे, मेसोकॉर्टिकल पाथवे। मेसोकॉर्टिकल पाथवे की बात करेंगे तो आपका जो मेसोकॉर्टिकल पाथवे स्टार्ट होता है ये भी आपका वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से ही स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम वेंट्रल टेगमेंटल एरिया एंड टर्मिनेट टू टर्मिनेशन, आपका जो टर्मिनेट होता है इसका टर्मिनेशन जो पोर्शन होता है वो होता है आपका न्यूक्लियस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपका प्रीफ्रंटल, जो आपका फ्रंटल बोन था उसके प्रीफ्रंटल बोन कॉर्टेक्स में आपका न्यूक्लियस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में आपका टर्मिनेट होता है। कौन सा पाथवे, आपका मेसोकॉर्टिकल पाथवे, जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से ओरिजिनेट होके न्यूक्लियस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में आपका टर्मिनेट होता है। देन आपका थर्ड पाथवे इज अ ट्यूब्रो निग्रो स्ट्राइटल पाथवे, आपका दो पाथवे हो गए, थर्ड है आपका निग्रो स्ट्राइटल पाथवे। अब निग्रो स्ट्राइटल पाथवे कहां से स्टार्ट होता है, तो ये होता है आपका ओरिजिनेटेड फ्रॉम सब्सटेंसिया नाइग्रा, सब्सटेंसिया नाइग्रा से आपका ओरिजिनेट होगा, सब्सटेंसिया नाइग्रा से आपका क्या होगा, ओरिजिनेट होता है सब्सटेंसिया नाइग्रा से आपका क्या होगा, ये ओरिजिनेट हो रहा है और टर्मिनेट होता है कहां पे, टर्मिनेट। तो आपका जो आपका कॉर्पस स्ट्राइटम होता है, टर्मिनेट एट कॉर्पस स्ट्राइटम,
ये आपका ब्रेन का पार्ट होता है कॉर्पस स्ट्राइटम, उस पर्टिकुलर पोर्शन पे क्या होता है ये टर्मिनेट, मतलब आपका न्यूरोस्ट्राइटल पाथवे कहां है सबस्टेंशिया निग्रा में ओरिजिनेट हुआ और कॉर्पस स्ट्राइटम में जाके टर्मिनेट हुआ, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक पाथवे जो होता है कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, मतलब अगर यहां से ओरिजिनेट हो रहा है तो यहां पे जाके वो क्या हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है, तो उस पोर्शन में पर्टिकुलर पोर्शन पे अगर हम ड्रग का एक्शन देंगे तो आपका ये पाथवे रुक जाएगा और आपका साइकोसिस का ट्रीटमेंट हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम ड्रग यूज करते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग। तो ये आपका, तो आपका जो मेसोकेम्पलिक पाथवे होता है वो आपका सिज़ोफ्रेनिया में इन्वॉल्व होता है, आपका मेसोकॉर्टिकल पाथवे भी सिज़ोफ्रेनिया में इन्वॉल्व होता है, लेकिन आपका न्यूरोस्ट्राइटल पाथवे इन्वॉल्व तो होता है लेकिन इसका जो मेन इन्वॉल्वमेंट है ये बोथ मोटर है, मतलब सेंसरी एज वेल एज मोटर न्यूरॉन दोनों मोटर्स में एक्ट करता है, मतलब इन्वॉल्व होता है। फोर्थ जो पाथवे होता है आपका होता है ट्यूब्रो इनफंडिबुलर पाथवे, ट्यूब्रो इनफंडिबुलर पाथवे मतलब कि आपका एक पाथवे जो आपका स्टार्ट होता है कहां से, आपका हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता है, जो आपका ट्यूब्रो इनफंडिबुलर पाथवे होता है वो आपका हाइपोथैलेमस से ओरिजिनेट होता है और टर्मिनेट होता है कहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड में, मतलब कि आपका जो ट्यूब्रो इनफंडिबुलर पाथवे होता है वो भी सिज़ोफ्रेनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इसका साथ में एक और एक्शन होता है ये आपके प्रोलैक्टिन सीक्रेशन के पाथवे में भी ये इन्वॉल्व होता है, प्रोलैक्टिन सीक्रेशन मतलब कि इस कंडीशन में अगर आपका प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन हो रहा है तो भी आपके, तो एक आपको जब एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़ेंगे तो आप साइड इफेक्ट पढ़ेंगे, तो उस साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट के लिए आपको पाथवे रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये आपका एक सिंपल पाथवे होता है साइकोसिस का, ये हो गया आपका साइकोसिस या सिज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि आपका एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या होता है। थैंक यू।